साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। आपका पहला सवाल है, किस देश में सूरज 76 दिनों तक नहीं डूबता है? आपका ऑप्शन है ए जापान में, बी चीन में, सी कनाडा में, डी नॉर्वे में। आपका सही जवाब होगा डी नॉर्वे में। आपका दूसरा सवाल है, बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल देश का, बी सेंट्रल देश का, सी भूटान देश का, डी पाकिस्तान देश का। आपका सही जवाब होगा बी सेंट्रल देश का। आपका तीसरा सवाल है, आधार कार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 2005, बी 2006, सी 2008, डी 2010। आपका सही जवाब होगा सी 2008। आपका चौथा सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीम का, बी जामुन का, सी आम का, डी पीपल का। आपका सही जवाब होगा डी पीपल का। आपका पांचवा सवाल है, डॉट चांद पर इंसान भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका देश, बी भारत देश, सी चीन देश, डी जापान देश। आपका सही जवाब होगा ए अमेरिका देश। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, छे ऐसा कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं है? आपका ऑप्शन है ए छिपकली, बी मकड़ी, सी जेलीफिश, डी कछुआ। आपका सही जवाब होगा सी जेलीफिश। आपका सातवां सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी तमिलनाडु में। आपका सही जवाब होगा डी तमिलनाडु में। आपका आठवां सवाल है, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? आपका ऑप्शन है ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी सऊदी अरब। आपका सही जवाब होगा बी नेपाल। आपका अगला सवाल है, नौ ऐसा कौन सी पक्षी है जो अपना रंग बदल सकती है? आपका ऑप्शन है ए कोयल, बी मोर, सी हंस, डी कोमालिया। आपका सही जवाब होगा डी कोमालिया। आपका दसवां सवाल है, पहलवानों का शहर किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आगरा को, बी कोल्हापुर को, सी भोपाल को, डी मेरठ। को आपका सही जवाब होगा बी कोल्हापुर को। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? आपका ऑप्शन है ए ब्राजील में, बी चीन में, सी
नोनो देश में डीप जापान में। आपका सही जवाब होगा सी नोनो देश में। आपका अगला सवाल है 12 बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ए अकबर। आपका अगला सवाल है 13 पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी आम, सी संतरा, डी लीची। आपका सही जवाब होगा बी आम। आपका अगला सवाल है 14 कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया को, बी भारत को, सी चीन को, डी जापान को। आपका सही जवाब होगा ए ऑस्ट्रेलिया को। आपका अगला सवाल है 15 किस जानवर या जीव के दूध से बना पनीर सबसे महंगा बिकता है। आपका ऑप्शन है ए भैंस के, बी बकरी के, सी गधे के, डी गाय के। आपका सही जवाब होगा सी गधे के। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16 डॉट चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए टीपू सुल्तान से, बी महाराणा प्रताप से, सी अकबर से, डी रानी लक्ष्मीबाई से। आपका सही जवाब होगा बी महाराणा प्रताप से। आपका अगला सवाल है 17 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए लाल किला, बी जंतर मंतर, सी ताजमहल, डी चामिनार। आपका सही जवाब होगा सी ताजमहल। आपका अगला सवाल है 18 लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए क्रोध बनाना, बी मुद्दाएं करना, सी तेवर बदलना, डी रंग बदलना। आपका सही जवाब होगा ए क्रोध करना। आपका अगला सवाल है 19 पीला से कहा पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा बी चीन। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं उगाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।